रियान पराग कितने सुपरस्टार खिलाड़ी हैं इस दिग्गज का भी यही मानना है। आज रियान पराग की तूती हर जगह बोल रही है इस दिग्गज का भी यही मानना है। आखिर कौन है ये दिग्गज जो रियान पराग की तारीफों के पुल बांधने में लगे हुए हैं, चलिए आपको बताते हैं इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है न्यूज नेशन में, मैं हूं आपके साथ श्रद्धा पांडे। रियान पराग जिन्होंने आईपीएल 2024 से अपनी छाप छोड़ दी थी, जिस कारण उनको टीम इंडिया में पदार्पण करने का मौका मिला। पहले T20 फॉर्मेट में उन्होंने अपनी छाप छोड़ी, उसके बाद ODI फॉर्मेट में भी उन्होंने सभी को इंप्रेस करा। लेकिन खासतौर पर अगर हम बात करें गेंदबाजी की, तो गेंदबाजी में A1 प्रदर्शन करते हुए नजर आए रियान पराग। अब इसी कड़ी में दिनेश कार्तिक, जो कि टीम इंडिया के बहुत ही दिग्गज खिलाड़ी हैं, पूर्व खिलाड़ी हैं अब तो क्योंकि उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया है, उन्होंने श्रीलंका सीरीज के बाद रियान पराग पर एक बहुत बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने कहा है कि इस श्रीलंका दौरे में जो पहला पॉजिटिव पॉइंट ये था कि रोहित शर्मा ने टीम को बड़े अच्छे से तरीके से चलाया है, साथ साथ उन्होंने खुद भी गेंदबाजी करी है, हमारे पास ऑलराउंडर्स की अब कमी नहीं है। दूसरा जो पॉजिटिव पॉइंट सीरीज से रहा, क्योंकि ऑल दो हम लोग सीरीज हार गए, बट जो दूसरा पॉजिटिव पॉइंट सीरीज से रहा वो ये था कि रियान पराग को विद द बॉल देखना बहुत शानदार था। रियान पराग जिस तरीके से गेंदबाजी कर रहे हैं, सबको इंप्रेस कर रहे हैं, लाइन लेंथ उनकी बिल्कुल बरकरार है, कहीं पे भी वो भटकते हुए साबित नहीं हुए, कहीं पे भी भटकते हुए नजर नहीं आए अपनी लाइन लेंथ थे, और इसी यही कारण है कि उनको ज्यादा से ज्यादा विकेट्स मिल रहे हैं। आपको याद होगा कि 17वां ओवर जब सूर्यकुमार यादव ने उनको दिया था T20 फॉर्मेट में श्रीलंका के खिलाफ, तो उन्होंने सिर्फ 5 रन देकर बैक टू बैक 2 विकेट भी चटकाए थे। उस पूरे मैच में उन्होंने 3 विकेट अपने नाम किए थे, जिस कारणवश उनको सभी लोग प्रेज कर रहे थे। तो आई थिंक रियान पराग एक बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव पॉइंट है। इस साल देखिए आधा साल ये खत्म हो चुका है और अब आधा ही साल बचा हुआ है। इस आधे साल में हमने बहुत सारे खिलाड़ियों को देखा भी है, उभरते हुए भी देखा है, बहुत सारे खिलाड़ियों का डाउनफॉल भी देखा है। जैसे तिलक वर्मा, आप सभी को याद होगा, तिलक वर्मा जब शुरुआत में आए थे तो बेहतरीन तरीके से छाए हुए थे, हर जगह उनकी हाइप हो रखी थी, हर कोई उनकी तारीफ कर रहा था, लेकिन उसके बाद उनका डाउनफॉल आया, अब टीम इंडिया में भी उनको उतना मौका नहीं मिल रहा है। बट रियान पराग की बात करें तो रियान पराग पहले ट्रोलर्स का शिकार होते आए, लेकिन अब जिस तरीके से वो ट्रोलर्स को जवाब दे रहे हैं, बल्ले से जवाब दे रहे हैं, गेंदबाजी से जवाब दे रहे हैं, वो बहुत ही ज्यादा शानदार है। T20 में उन्होंने अपनी छाप छोड़ी, वनडे में उन्होंने अपनी छाप छोड़ी, अब उम्मीद हम ये करेंगे कि वो बैटिंग में भी ऐसे प्रदर्शन करें, क्योंकि अगर आप गेंदबाजी को कंपेयर करोगे रियान पराग की उनकी बल्लेबाजी से, तो बल्लेबाजी थोड़ी सी फीकी साबित होती है, लेकिन गेंदबाजी A1 नजर आती है। तो इसीलिए रियान पराग बेहतरीन सितारे हैं और दिनेश कार्तिक का भी यही मानना है, रोहित शर्मा उनको बहुत ज्यादा भरोसा दे रहे हैं, बहुत ज्यादा उन पे कॉन्फिडेंस जता रहे हैं, गौतम गंभीर बहुत ज्यादा बैक कर रहे हैं, तो उम्मीद करेंगे इस खिलाड़ी को ऐसी बैकिंग मिलती जाए ताकि आगे चल के ये खिलाड़ी बहुत बड़ा सुपरस्टार बन जाए। आप कमेंट्स करके बताइए रियान पराग से कितनी उम्मीद है, क्या लग रहा है बांग्लादेश का स्क्वाड अनाउंस हो जाएगा जब, क्योंकि बांग्लादेश के खिलाफ हमें T20 और टेस्ट मैचेस खेलने हैं, तो क्या T20 में रियान पराग का नाम आएगा या फिर नहीं, कमेंट्स करके अपनी राय मुझे उसमें जरूर दीजिए। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।